अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लाई हूँ चिकन चंगेज़ी की, जो आप इन्जॉय करेंगे बहुत ही जायके के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आपको चाहिए होगा 1 kg चिकन, 1/2 cup योगर्ट, 2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, 2 large अनियंस चॉप की हुई, आप इनको लंबे साइज़ में चॉप कीजिएगा, 2 tablespoon बटर, घी और ऑयल, 2 tablespoon टोमेटो प्यूरी, 1 teaspoon जिंजर पेस्ट एंड 1 teaspoon गार्लिक पेस्ट। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसमें डालेंगे हम दही, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक, और इसको 30 मिनट के लिए हम मैरिनेट करने रख देंगे। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं, या फिर आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा है, हम पैन में ऑयल हीट करेंगे और उसमें हम अपनी चॉप्ड अनियंस जो हैं, जो हमने काटी थी, उनको डालेंगे और उनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हम अपने चिकन को भी फ्राई कर लेंगे और टेंडर होने तक पका लेंगे। अब आते हैं ग्रेवी की तरफ। तो हमने प्याज को ऑयल में डाला, जो हमारी गोल्डन ब्राउन प्याज थी। फिर हमने डाला काजू का पाउडर, पाउडर्ड मसाले डालेंगे जैसे ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, गरम मसाला, ये सब पाउडर डालकर हम अपनी जो अनियंस हैं उनके साथ इस मसाले को अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे ऑयल में। फिर हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। मैंने नहीं डाली है लेकिन आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है। टोमेटो प्यूरी आप ज़रूर डालिएगा। अब हम अपनी ग्रेवी को बहुत अच्छे से भून लेंगे प्यूरी डाल के, ताकि बिल्कुल कच्चापन जो है ग्रेवी का वो चला जाए। ऑयल छोड़ने तक हम खूब अच्छे से भूनेंगे। अब मुझे अपनी ग्रेवी बहुत थिक लग रही थी, अब इस पॉइंट पे हम मिल्क ऐड करेंगे। वाटर ऐड नहीं करेंगे, मिल्क डालेंगे हम अपनी ग्रेवी में और उसको साथ साथ सॉटे करते जाएंगे, ताकि वो अच्छे से हमारी ग्रेवी मिक्स हो जाए। अब जो हमने चिकन फ्राई किया था, अब हम उसको धुआं देंगे। एक कटोरी में हम जलते हुए कोयले रखेंगे और उसमें हम डालेंगे ये ऑयल और उसको फ़ौरन ही हम ढक देंगे, ताकि जो वो धुआं है वो एस्केप नहीं कर जाए और पूरा एब्जॉर्ब हो जाए हमारे फ्राइड चिकन में, जैसे मैंने किया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसको अच्छे से ढक दिया और इसके ऊपर मैं सिल पत्थर रख दूंगी, ताकि वो जो हमारी लिड है वो इधर उधर डिसप्लेस नहीं होगी। और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब इसमें हम अपना फ्राइड चिकन इसमें सारा डाल देंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। और आप इस ग्रेवी को मिल्क डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसकी लिड लगा दी थी और अब लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है जो इसमें डलेगा, जो इस रेसिपी में जान डालेगा, वो है हमारी क्रीम। मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ की है। आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए, मैं अब ये क्रीम इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारी टेस्टी टेस्टी चिकन चंगेज़ी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे सर्व कीजिए रोटी नान के साथ और इन्जॉय करें।